हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ मैं। काफ़ी दिन से बोल रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये है एलोवेरा फेशियल। तो अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा का लीफ है तो आप उसका जेल भी निकाल सकते हो, नहीं है तो ये वाओ का ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। और अगर वाओ का आपको महंगा लगे या मतलब लाइक नहीं है आपके पास, तो आप ये कापिवा का भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। कापिवा आयुर्वेदा का है। मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, अगर किसी को बाय करना है। अफोर्डेबल है। वाओ का भी बहुत अच्छा है। तो मेरा वाओ का खत्म ही होने वाला है, तो मैंने सोचा पहले इसको ही खत्म कर दूं, फिर कापिवा का यूज़ करूंगी। वैसे कापिवा का मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूं, मुझे अच्छा लगा है। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लिया है और उसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया है, क्योंकि मैं बना रही हूं एक फेशियल क्लेंजर हमारी स्किन को सबसे पहले क्लीन करने के लिए। तो फेशियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में कि आप पहले स्किन को क्लेंज कर लें। तो ये जो मैंने रेमेडी बनाई है, इसको सबसे पहले अच्छी तरह से स्किन पर मसाज कर लेंगे, फेस की स्किन पर, इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप अच्छी तरह देख लीजिए। सो दैट जितना भी ग्राइम है, डर्ट है, जो भी इम्प्योरिटी है, वो सब इसके साथ बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर है तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लेंस करेगा। और कच्चा दूध मैंने इसीलिए नहीं डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी हो जाता फिर, क्योंकि एलोवेरा जेल भी इटसेल्फ काफ़ी रनी होता है। अगर आप फ्रेश लीफ लेना चाहें एलोवेरा की, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने अच्छी तरह से मसाज कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन पैड लिया है, इसको वेट कर लिया है पानी से और निचोड़ लिया है, और फिर मैं मेरे स्किन को क्लेंस कर रही हूँ। और फिर एक बार पानी से धो देना है, सिर्फ पानी से ही वॉश किया है मैंने फेस। ओके, तो चलो अब बनाने जाते हैं स्क्रब, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। ये फेशियल बहुत ज़्यादा मैजिकल है, मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना। तो ये मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर, और आप चाहो तो चावल का आटा भी ले सकते हो। और इसमें मैंने वापस से एलोवेरा जेल ऐड किया है। और मैं दोबारा बता देती हूँ, कापिवा का एलोवेरा जेल काफ़ी अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं आजकल वही लगा रही हूँ, लेकिन वाओ का मेरे पास पहले से पड़ा था, तो इसीलिए थोड़ा ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया है। बाकी कापिवा काफ़ी अच्छा है, मेरी बेटी और मैं आजकल वही यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली मेरी बेटी यूज़ कर रही है। तो यहाँ पे मैं स्क्रब कर रही हूँ, इस तरह से सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे हाथों से मसाज करते हुए स्क्रबिंग कर लेनी है। स्क्रबिंग करने से होता क्या है, स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है और जो भी डेड स्किन है, जो भी इम्प्योरिटी है, वो निकल के बाहर आ जाती है। फेशियल से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी स्किन अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है, फिर उस पर मसाज का जो इफेक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं स्क्रबिंग कर रही हूँ। चलो 5 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद फेस वॉश कर लेते हैं। यहाँ वॉश कर लिया मैंने। हमेशा सॉफ्ट टॉवल यूज़ करें, क्योंकि आप लोगों की हमेशा इंक्वायरी होती है मेरी स्किन इतनी चमकती कैसे, तो मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ। चलो अब क्रीम बनाते हैं मसाज के लिए, थर्ड स्टेप। तो इसके लिए ले रही हूँ मैं वापस से एलोवेरा जेल। आप इसको ना यूज़ करके कापिवा का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है, मैं दोबारा बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है मार्केट में और काफ़ी अफोर्डेबल हैं। तो ये मैं 2 मिक्स कर लूँगी अच्छे से, अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये मैं राज बता रही हूँ, जो कभी कभी स्किन पे स्पेशल ग्लो आ जाता है, और काफ़ी दिनों से आप लोग मुझे पूछ भी रहे हो कि ग्लो कैसे है दीदी। तो ये वाला फेशियल अभी कुछ दिन पहले मैंने किया था, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल है ये। तो चलो अब मसाज कर लेते हैं। ये हमारी मसाज क्रीम तैयार हो गई है। जब आप इसको इतनी देर तक हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से, तो ये एक क्रीम कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो इसको लगा के अब मसाज करना है। किस तरह से करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। सर्कुलर मोशन में करना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसके अलावा जो हमारी लाफिंग लाइन्स होती हैं आँखों के चारों तरफ, बहुत ध्यान से करना है। लाफिंग लाइन्स को भी ये करना है हमें, जो हमारे हंसने के कारण हमारे स्किन पर लाइन पड़ जाती है, ये देखिए ये वाली, इसको भी मसाज करना है। और हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर नहीं देना है। और आंखों के चारों तरफ ध्यान रहे कि बहुत हल्के हाथ लगाने हैं, बहुत हल्के स्ट्रोक्स लगाने हैं, लेकिन आईज़ के चारों तरफ इस वाले मसाज क्रीम को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई बहुत अच्छी तरह से हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एज़ वेल एज़ जो भी रिंकल्स का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम है, उसको दूर करता है। एलोवेरा के भी सेम ही फ़ायदे हैं, स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन की चमक बढ़ाता है, रेडियंट बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, सारी क्वालिटीज़ होती हैं। एलोवेरा के बारे में ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। मेरी बात सुनते सुनते आप ये सारे स्टेप्स देखते रहिए। तो आँख के चारों तरफ भी मसाज कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, और ये तब तक मसाज करना है जब तक ये पूरा का पूरा जो क्रीम हमने बनाया है वो स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होने लगा है, चमक आपको साफ दिख रही होगी। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है नॉनस्टॉप, लेकिन स्ट्रोक हल्के रखने। तो आप देख सकते हो सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया है, सारी क्रीम ख़त्म हो गई है, सब कुछ मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। और आप देख लीजिए स्किन पे कितनी ज़्यादा चमक आ चुकी है, बहुत अच्छी तरह से मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो चुकी है। इवन आपको पिंकिश ग्लो दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो जाता है फेशियल करते टाइम। तो आप खुद ही देख लीजिए क्या दिख रही है मेरी स्किन, सारी क्रीम अंदर जा चुकी है। आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हो।
आप इसको बना के एक डिब्बे में स्टोर कर सकते हो, एवरीडे रात को लगा सकते हो। ये देखिए कितना ज़्यादा मॉइस्चराइज हो गई है स्किन, और ये डार्क स्पॉट के लिए, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा फेशियल है। तो चलिए अब लास्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं, जो कि है फेस पैक। तो उसके लिए मैंने लिया है चने का आटा यानी कि बेसन, और ले रही हूँ मैं एलोवेरा का जेल। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा कापीवा का भी डाला, क्योंकि कम था वो ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसको स्किन पे लगा रही हूँ। पहले हल्का सा मसाज करना है, सो दैट जो नीचे ऑयल है, अच्छा फेस वॉश नहीं करना है, जो मसाज हमने की थी उसके बाद फेस को वॉश नहीं करना है, डायरेक्टली ये फेस पैक अप्लाई करना है। थोड़ी सी मसाज कर देनी है पहले, ताकि जो नीचे ऑयल है, विटामिन ई ऑयल, इसके साथ मिक्स हो जाए, और फिर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है आई एरिया को छोड़ते हुए। आई एरिया पे आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी लगा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी होती है कि दीदी अंडर आई सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, रिंकल्स हैं, पैचेज हैं, पिगमेंटेशन है, तो ये सारी चीज़ों पर वर्क करेगा। और ये जो हमने मसाज क्रीम बनाई है, आप रात को इसे अंडर आई क्रीम की तरह भी रोज़ लगा सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हो, इवन आप इसको नाइट क्रीम की तरह भी यूज़ करिए। आपको जो फ़ायदा हो बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा मैजिकल रेमेडी है। ये फेशियल आप एक बार ट्राई करो, आप मान जाओगे मुझे। तो अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, सूखने देंगे, और उसके बाद मसाज करते हुए वॉश कर देंगे। और ध्यान रहे कि 2 दिन तक आपको फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप ग्लो देखिएगा, आप चौंक जाएंगे आपकी स्किन पर ग्लो देख के। फेस वॉश की जगह आप होममेड फेस वॉश यूज़ कीजिए, जो मैंने पहले मेरे वीडियो में बताया हुआ है। आई होप ये रेमेडी आपको पसंद आई हो। तो चलो आपको कैमरे के सामने दिखाती हूँ थोड़ा सा तैयार होके, ओके। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना। कोई भी फेशियल के बाद जब लास्ट स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करो। अगर स्किन ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल लगा लो, अगर स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा लो। तो चलो फाइनली मिलती हूँ आपको कैमरे के सामने, दिखाती हूँ आपको क्या इफेक्ट आया है फेशियल का। तो देख सकते हो फ़र्क चेहरे पे साफ दिख रहा होगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं है, कोई कैमरे का कमाल नहीं है। तो देखिए कितना ज़्यादा ग्लो आ चुका है। तो आप इस तरह से फेशियल कर सकते हो किसी पार्टी में जाने से पहले, किसी फंक्शन में जाने से पहले, या ऐसे भी अपनी स्किन को पैम्पर करने के लिए मंथ में कम से कम 2 बार ये फेशियल फॉलो करो। आपको ड्रामेटिकली मैजिकली चेंजेस लगेंगे आपकी स्किन में, ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और जिस चीज़ से मैंने मसाज किया था, यानी कि एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके मैंने मसाज किया, ये आप एज ए नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हो एवरी डे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, कमेंट करके लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये फेशियल ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे। और जब आपको फ़ायदा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाना। तो चलो इस आशा के साथ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर।